बोले लोक विद्यार्थी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षा व्यवस्था हो रहा चौपट। खबर यूपी के चंदौली जिले से है, जहां आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों का शुल्क प्रतिपूर्ति न मिलने से लोक विद्यार्थी शिक्षक एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। प्रदेश अध्यक्ष गुलाब सिंह मौर्य ने उपस्थित विद्यालय प्रबंधकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्राइवेट विद्यालयों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत लचर होती जा रही है, सरकार से किसी भी अनुदान की आशा नहीं है। उन्होंने संगठन की मजबूती पर चर्चा करते हुए कहा कि संगठन के माध्यम से हम अपने हक की लड़ाई आगे तक बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए सभी को मिलकर संगठन को मजबूत करना होगा। अपना आप परिचय बताएं। जी, मेरा नाम पड़ेगा गुलाब सिंह, मैं लोक विद्यार्थी शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। अच्छा, चौपट हो रही है और जैसा कि देखा गया बीसी सेकेंडरी का रिजल्ट भी बहुत घटिया गया है, इसके लिए हमारा संगठन प्रयास करेगा कि प्रदेश की शिक्षा नीति सुधरे, शिक्षा व्यवस्था सुधरे। हमने आगे आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? आगे हम यही चाहते हैं कि सरकार भी जिस तरह से सरकारी विद्यालयों में लगभग एक विद्यार्थी पर 4 से 5 हज़ार रुपये महीना खर्च कर रही है, लेकिन रिजल्ट बहुत समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ते हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और ये सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। वहाँ पर लगभग 4-5 हज़ार रुपये महीने खर्च करें तो कम से कम 500 रुपया महीना तो जो कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं लगभग कक्षा 8 तक के, उनको सरकार मदद करे। कुछ साथियों से मालूम चला है कि आप विद्यालयों के जो बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट में आरटीई के तहत, उनका 2019 से पैसा रुका हुआ है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए भी हम लोग माननीय डीएम साहब से मिलेंगे और अपनी बात को उनके सामने हम लोग रखेंगे, और यदि बात नहीं बनती तो हम लोग लखनऊ भी जाने का काम करेंगे और प्रयास हो कि सबका पैसा जो भी रुका है वो मिले। ठीक है।